जय हिंद दोस्तों, जैसा कि देख रहे हो सारा हिंदुस्तान आवाज उठा रहा है। इंडियन आर्मी को इंसाफ दिलाइए, उनके फैमिली को इंसाफ दिलाइए। इंडियन आर्मी के काफी जवान वीडियो बनाकर इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे, उनकी फैमिली इंसाफ के लिए आवाज उठा रही है, मगर पता नहीं आवाज ये सिस्टम तक पहुंच रही है या नहीं। मगर जहां तक पहुंच रही है वो क्या कर रहे हैं आपको बता रहा हूं। तो जिन तक पहुंच रही है वो वुमन कार्ड का इस्तेमाल करके अरे इंडियन आर्मी के फैमिली का कुछ वैल्यू नहीं है, ये पैसे वालों का वैल्यू है। नशा देखा, ये पैसे का नशा, गुरूर का नशा। कहां पे है ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग, कहां पे है कोई नहीं बोल रहा है। क्रिकेटर हमारे कहां पे है कोई नहीं बोल रहा है, जो सुबह से शाम मीडिया में बैठ के डिबेट करते थे फौजियों के नाम पे, कहां है कोई नहीं है। कोई परवाह भी नहीं हमको कि आप हमारा साथ दो या नहीं दो, फर्क सिर्फ इतना है कि एक इस देश का एक नागरिक हूं तो एक आशा करता हूं आपके ऊपर कि आपको देखते थे हम कि अरे बचपन में कि अरे फौजी का ये पिक्चर आया, क्या काम किया है यार, सच्चा है यार ये। वो क्रिकेटर को देखता था मैं जब फौजियों के लिए क्या क्या बातें करते थे, वो डिबेट में देखता हूं मैं जो फौजियों के लिए कैसे लड़ते हैं। कहां है यार, कहां है आप लोग, नजर नहीं आ रहे आप। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आपका भी कोई प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री है। अगर आप आवाज उठाएंगे तो कल आपके खिलाफ जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री वाले। कोई बात नहीं, काम जरूरी होता है, देश से बढ़कर पहला काम होता है, सही है। मगर ये आम आदमी है ना, उसका पहला फर्ज, उसका पहला सब कुछ ये देश है, पहला देश है। क्योंकि जब वो वहां पे बैठे ना बॉर्डर पे दुश्मनों से लड़ रहे, शहीद हो रहे, तो पहला हम लोग उनका सोचते हैं, उनके फैमिली का सोचते हैं। कोई नहीं सोच रहे ना, मत सोचिए, वो जान दो, मत सोचिए। और कहीं ना कहीं ये हमारी जो हमारी आवाज है ना, वो शायद हमारे सिस्टम तक नहीं पहुंच रही है। तो मैं आपको सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे महाराष्ट्र के सीएम साहब माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी जितना हो सके उन तक ये मेरा वीडियो पहुंचाइए। माननीय श्री सारे स्टेट के जितने भी चीफ मिनिस्टर है उन तक ये मेरा वीडियो पहुंचाइए। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी उन तक ये मेरा वीडियो पहुंचाइए कि शायद अगर ऐसा हो सकता है ना यार कि ये बड़े लोग हैं
इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी। हाँ, तो जितना हो सके, मैंने आज तक कभी नहीं बोला कि मेरा वीडियो शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, मगर ये जैसी हालत हुई है, हमारा आम आदमी का कोई नहीं सुन रहा है, इसके वजह से बोल रहा हूँ, जितना हो सके वीडियो इन तक पहुंचाइए कि हमारे इंडियन आर्मी को इंसाफ दिलाइए, और जल्द से जल्द ये एकता कपूर का जो घमंड है, जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करके इसको अरेस्ट करिए। हाँ, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लग रहा है, अगर अभी तक अपनी आवाज इन तक पहुंच जाती, इन तक पहुंच जाती, तो अभी तक इंडियन आर्मी को, उनके फैमिली को इंसाफ मिल गया होता, मिल गया होता इंसाफ, मगर अपनी आवाज नहीं पहुंच रही है वहां तक। तो ये गलती हम लोगों की है जो वहां तक अपनी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो आप जितना हो सके ये हमारी आवाज उन तक पहुंचाइए। क्योंकि जब तक उनको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या है, तब तक तो कुछ नहीं होने वाला ना। हमारी आवाज उठ रही है या नहीं उनको पता ही नहीं है अभी तक ना। तो सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितना हो सके उन तक ये मैसेज पहुंचाइए मेरा, कि अभी ये देश को आपकी जरूरत है। ऐसे लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तान की बदनामी कर रहे हैं, तो जितना हो सके आप ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। और हमारे महाराष्ट्र के माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी, उन तक भी ये मेरा, जितना हो सके उनको टैग करिए और उनसे इंसाफ का थोड़ा, मुझे आशा है कि मिल सकता है, क्योंकि वो हमारे हृदय सम्राट, आंख पे रोंगटे खड़े हो जाते जब उनका आवाज नाम लेते, तो कसम से माननीय बाला साहेब ठाकरे जी आखिर में उनके खून है वो। तो एक आस है उनके ऊपर कि यार वहां से इंसाफ मिलेगा। तो जितना हो सके आप वहां तक भी मेरा वीडियो पहुंचाइए। और कौन है वो, एक चुचुंदर कोई आई है लड़की, हो जो गारंटी मांग रही है कि क्या गारंटी है कि मिलिट्री वालों की बीबियां ऐसा नहीं करती जब वो सरहद पे जाते। तेरे बाप ने गारंटी दी थी क्या? पूछ ले डीएनए टेस्ट करके, गारंटी है तेरे बाप के ऊपर? ऐसे तो साले है कुछ गद्दार साले, इनको गिनता भी नहीं मैं समझा, इनको गिनता भी नहीं ऐसे चुचंदर को, तो भगाओ ऐसे गांडों को। आप जितना हो सके यहां तक अपना मैसेज पहुंचाइए, इनकी तो बजा के रहेंगे, जो जो हमारे देश के खिलाफ बात करेगा ये कचरा साफ शुरुआत हो गई है। हाँ, तो इनकी कंफर्म हो जाएंगे। और जितने भी लोग ये मेरे मुहिम में मेरे साथ में खड़े हो गए, धन्यवाद। ये आपके वजह से आज इंडियन आर्मी के जवानों को पावर आता है कि उनके साथ हम खड़े हैं। हाँ, तो ऐसे ही उनका साथ दे दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। पर ऐसे आंडू गांडू लोगों के ऊपर ध्यान मत दो, झाटू लोग है वो, समझा। फिल्म के लिए अपनी माँ चुदा रहे, भगवान इन लोग को, मादर चौदों को।